नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, बुजुर्गों से उलझना चाहती हैं, पुरानी बंदिशों को तोड़ कर वो न जाने क्यों निकलना चाहती है। दोस्तों, आज की जो नई नस्ल है वो चाहे जिंदगी के जिस शोबे में भी हो, वो अपनी एक पहचान चाहती है, एक शनाख्त चाहती है। और ये अच्छी बात है, तरक्की करने के लिए जरूरी है कि हर शख्स के दिल में ये जब जज्बा होगा तो यकीनन वो अपने अंदर कोई न कोई खूबी पैदा करेगा। आज हमारे मुशायरे में एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत मौजूद है कि आज हिंदुस्तान में मुशायरों में अपनी शख्सियत के हुस्न को इस तरह से उन्होंने अपने कामयाबी की जमानत, मुशायरे के कामयाबी की जमानत समझने वाले साहब जश्न अनवर कमाल, मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे जो मुशायरे हैं उनके बगैर अधूरे रह जाते हैं। लोग पूछा करते हैं कि अनवर कमाल कहाँ है, तो मैं उस अजीमुल मर्तबा शायर साहब जश्न को दावत कलाम देने जा रहा हूं कि इल्म हो या फिल्म हो, अदब हो या सलीका हो, तहजीब हो या शऊर हो, इन सारी चीजों को अगर एक क्या कर दिया जाए और एक खूबसूरत नाम लिया जाए तो वो नाम जनाब अनवर कमाल साहब जश्न का नाम बनता है। मैं इल्तिमास कर रहा हूं कि है इल्तिजा के खुलूस की दौलत बढ़ाइए, पलकें बिछी है राह में तशरीफ लाइए। आप अपने साहब जश्न का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। दोस्तों, एक काबिले सताइश बात यह है, एक काबिले सताइश बात यह है कि आपकी गजल नमीदा नम इस कदर मकबूल हुई कि आज फिल्म इंडस्ट्री वालों ने भी उसे अपना खूबसूरत हिस्सा बना लिया है। और बिहार के तन्हा सा शायर जो सबसे ज्यादा मुशायरा पढ़कर आज पूरे बिहार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम अनवर कमाल साहब जश्न अब यहां से मुशायरा पूरी बुलंदी के साथ, आबोताब के साथ कायम और दायम होता चला जाएगा। मोहतरम अनवर कमाल, सलाम अलैकुम, जाले जिंदाबाद, ये पूरा इलाका जिंदाबाद, दरभंगा जिंदाबाद, मधुबनी जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत शाम, बहुत ही खूबसूरत जश्न। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब जावेद इकबाल अर्शी साहब का, गुलाम मुज़क्किर खान साहब का, यहाँ पर मौजूद मेहमान खुसूसी जनाब फराज फातमी साहब, सदर मोहतरम मेरे वालिद मोहतरम जनाब सुल्तान शमसी, और यहाँ पर मौजज़ीन और जितने भी हमारे शायर दोस्त हैं उनका। आइए, आंसुओं के पीछे से मुस्कुराना पड़ता है, आंसुओं के पीछे से मुस्कुराना पड़ता है, आंसुओं के पीछे से मुस्कुराना पड़ता है, गम हजार हो दिल में गम छुपाना पड़ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। आंसुओं के पीछे से मुस्कुराना पड़ता है, और शेर सुने, सांसों की पहेली में धड़कने उलझने दे, सांसों की पहेली में धड़कने उलझने दे, सांसों की पहेली में धड़कने उलझने दे, डोर कब सुलझती है टूट जाना पड़ता है। बहुत बहुत बहुत,
आइए मैं अगला शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ। हाथ मलते रहने से रोशनी नहीं मिलती, हाथ मलते रहने से रोशनी नहीं मिलती, हाथ मलते रहने से रोशनी नहीं मिलती, लड़ने को अंधेरों से घर जलाना पड़ता है। एक लड़के की ख्वाहिश है कि इस गजल का एक और शेर पढ़ूं जो उसे बहुत पसंद है, मैं पढ़ देता हूं। अता बेवतन मुसाफिर को गांव ने बुलाया है, हिजरतों के पंछी को गांव ने बुलाया है, देश के परिंदों को गांव ने बुलाया है, हिजरतों के पंछी को गांव ने बुलाया है, रिश्तों को निभाने में आना जाना पड़ता है। बहुत मेरे इसी शेर के और आजकल के जो हालात हैं, एक दो शेर पढ़ूंगा मैं इस गजल का। सच्चा था मैं मगर मुझे झूठा लिखा गया, सच्चा था मैं मगर मुझे झूठा लिखा गया, सच्चा था मैं मगर मुझे झूठा लिखा गया, उजले लिबास को मेरे काला लिखा गया, उजले लिबास को मेरे काला लिखा गया, मुनसिफ ने मेरे कत्ल को भी खुदकुशी कहा, मुनसिफ ने मेरे कत्ल को भी खुदकुशी कहा, मुनसिफ ने मेरे कत्ल को भी खुदकुशी कहा, मुझको ही अपने खून का प्यासा लिखा, मुझको ही अपने खून का प्यासा लिखा गया। और एक शेर मैं इस गजल का और हाजिर करता हूं। शेर सुने, शेर सुने। दरिया के बीच मुझको डुबोया गया था फिर, शेर सुने। दरिया के बीच मुझको डुबोया गया था फिर, दरिया के बीच मुझको डुबोया गया था फिर, दरिया के पार मुझको उतारा लिखा गया, भाई पुरजोर तालियां होनी चाहिए। इतनी अच्छी शायरी करी आप लोग, खामोशी से सुन रहे हैं, अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। आपके अपने आपके अपने मेजबान शायर हैं, पुरजोर तालियां होनी चाहिए एक बार साहब के लिए एक बार तमाम।